હવે દરેક વાહનો માટે ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ ફરજિયાત છે। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जाहिर करू छे। 1 ऑक्टोबर थी 2024 थी दरेक मोटर वाहन माटे फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी छे। दरेक स्टेक होल्डर्स पासे थी 30 दिवस मां मांग्या छे वादा सूचनो। तो एक मोटी खबर हालमां समावी रही छे। हवे दरेक वाहनों माटे फिटनेस सर्टिफिकेट फरजियात रहेशे। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जाहिर करू छे अने 1 ऑक्टोबर थी 2024 थी दरेक मोटर वाहन माटे फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी छे। दरेक स्टेक होल्डर पासेथी 30 दिवस में ज आ वादा सूचनो मांग्या छे। अमरीश पांडे वर्षे जोड़े गया छे। अमरीश, ये फिटनेस सर्टिफिकेट है जो नया, जो हम फोर व्हीलर या टू व्हीलर वाहन लेते हैं उसको पर लागू हुआ था कि कोई क्राइटेरिया है उसमें? जी बिल्कुल, ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट होगा उन सभी गाड़ियों के लिए अनिवार्य होगा जो गाड़ियां सड़क पर आ चुकी हैं, यानी कि वो गाड़ियां जो हम और आप ड्राइव कर रहे हैं उन सभी गाड़ियों के लिए एक सर्टेन एज के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा, ताकि ये देखा जा सके कि वो सारी गाड़ियां सड़क पर चलने लायक है कि नहीं, उनसे जो एमिशन हो रहा है वो उस नियंत्रित मात्रा से ज्यादा तो नहीं हो रहा, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको कम करने के लिए क्या इस गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है, अगर है तो उसको उस तरह से रेट्रोफिट किया जाएगा, और अगर नहीं है तो उस गाड़ी को स्क्रैप करने का सुझाव दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा नोटिफिकेशन मॉर्थ ने जारी किया है, और जिसके अनुसार जो पुरानी डेट थी यानी कि अभी तक जो मौजूदा व्यवस्था थी उसके अनुसार भारी जो गाड़ियां हैं यानी कि ट्रक्स बसेस, इन गाड़ियों के लिए 1 अप्रैल 2023 से, इसके अलावा जितनी भी छोटी गाड़ियां थी, छोटी बसेस थी, छोटे जो मालवाहक थे उन सब के लिए 1 जून 2024 की तारीख तय की गई थी। मॉर्थ ने उसमें एक रिलीफ देते हुए इस पूरी तारीख को बढ़ाकर सभी गाड़ियों के लिए 1 अक्टूबर 2024 की तारीख तय की है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ऑटो कंपनीज हो, चाहे वो लोग हों, या फिर ऐसे संस्थान जो कि गाड़ियों या पॉल्यूशन से डील करते हैं, उन सबसे ये सुझाव मांगा है कि क्या ये तारीख सही रहेगी या इस तारीख तक हम क्या वो सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी राहत भी कह सकते हैं कि एक तरह से आम लोगों के लिए भी है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम है जहां सरकार धीरे धीरे इसको अनिवार्य करने पर की तरफ जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश। तो अमरीश जी खबर आप दरेक स्टेक होल्डर पास थी 30 दिवस में आ वादा सूचन मंगाया है।